एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ उस घर से यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो ये आप लोग को तो पता है कि ये मेरा किचन नहीं है, ये जो मेरी गुतनी है उनका किचन है। मैं आई हूँ यहाँ पे चाय बनाने क्योंकि मेरे किचन में तो अभी काम चल रहा है। और देखिए, ये खिड़की से जो प्याज वाला खेत है और साग वाला, ये हम लोग का है। इसमें प्याज साग यही सब लगा हुआ है। और फिर चाय बना के अभी मैं उस घर पे लेके जाऊंगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा बिना देखे कमेंट कर देते हैं। वीडियो या तो 2 मिनट का होता है या तो 4-5 मिनट का होता है। 1 घंटा का तो नहीं होता है कि वीडियो देखने के लिए एक समय निकालना पड़ता। और कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो वीडियो को फुल वॉच करके कमेंट करते हैं, उन सब फ्रेंड को दिल से धन्यवाद। और फिर चाय बन गई है, अब मैं जा रही हूँ माँ बाबू जी को देने। तो मेरा यहाँ से मेरा घर दिखता है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखें, ये जो सामने वाला घर है वो हम लोग का घर है। और मैं चाय दे के आ गई हूँ। मैं रास्ते में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करना। और फिर मैं आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी। लौकी की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है। तेल डालो, एक तो सूखा मिर्ची डाल दो, थोड़ा ब्राउन कर लो। फिर मैं तेल में ही हल्दी डाल के भून लेती हूँ, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर मैं कद्दू डाल दूँगी, 1-2 बार चला के फिर नमक डाल के ढक दूँगी। इस कद्दू में तो पानी डालना पड़ता नहीं है, तो खुद पानी छोड़ देता है। और दाल में भी कद्दू डाल के बनाया जाता है। सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं कद्दू का सब्ज़ी। कद्दू का रायता भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और फिर मैं ढक दी हूँ। जब थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा के देखे तो देखिए पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी में ये कद्दू पक जाएगा। फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिला के उठा लूँगी। तो बहुत ही आसान है कद्दू की सब्ज़ी बनाना। जब तक इधर सब्ज़ी का पानी सूखेगा तब तक मैं इधर रोटी बना के तैयार कर लूँगी। और फिर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करो, ठीक है। तो फिर मैं बेबी के लिए गर्म दूध में 1 रोटी तोड़ के डाल दूँगी। और जब तक पूरा रोटी बनाऊँगी तब तक बेबी का भी दूध रोटी फूल जाएगा, तो मुझे पीसने में आसानी होती है। और अच्छे से पिसा हुआ रहता है तो आराम से खा भी लेता है। और आज मैं अपनी वीडियो लंबी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आप लोग पूरा नहीं देखते हो, तो बस 2-3 मिनट का ही रहेगा। और फिर मेरा रोटी भी पूरा बन गया था और सब्जी का भी पानी सूख गया है। अब मैं सभी को खाना देने जा रही हूँ। और ये तड़का मेरे से जो बड़ी वाली जेठानी है वो बनाई थी, तो वो दी है मुझे। मुझे तड़का बहुत पसंद है इसीलिए। और आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड।